बड़ा नाम सुनते थे हाथी की दुम का, जो देखा तो पतली सी रस्सी लगी थी। यह है महाराष्ट्र से स्वघोषित चाणक्य शरद पवार, जो आज किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं बचे। कहा गया है कि घमंड ईश्वर का आहार होता है, पर यह तो मानते ही नहीं थे। इन्होंने बड़े घमंड से कहा था कि सबसे पंगा ले लेना, पर शरद पवार से पंगा मत लेना। आज इनकी खुद की हालत यह है कि लड़ने वाली 6 पार्टियों में इनकी पार्टी छठवे और अंतिम पायदान पर है। बड़ा नखरा तिल्ला दिखाया, अंतिम चुनाव कहकर विक्टिम कार्ड भी खेला, पर कोई भी धूर्ता काम नहीं आई। परिणाम स्वरूप एमवीए कुल उतनी भी सीटें नहीं जीत पाई जितनी की एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना ने अकेले जीती। शरद पवार उच्च कोटि के गिरगिट हैं। महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव में आज फिर एक बार यह साबित हो गया। वे अब 14 बार चुनाव लड़ रहे हैं, 4 बार राज्य के मुख्यमंत्री बने, सोनिया गांधी के विरोधी पीवी नरसिम्हा राव के मंत्रिमंडल में कृषि मंत्री बने, आज फिर सोनिया का दामन थामा, पर लज्जास्पद पराजय ही मिली। वे मुख्यमंत्री बनाते बिगाड़ते थे, अब नहीं निःशक्त हो गए। एक बार का किस्सा मुझे याद आया। शिवाजी पार्क दादर में शिवसेना की विशाल रैली हो रही थी। मराठा हीरो बाला साहेब ठाकरे का भाषण चल रहा था। पत्रकार देरगी से टाइम्स ऑफ इंडिया की ओर से रिपोर्टिंग में मैं कर रहा था। अचानक कौतुक भरी मुद्रा में माथे पर हथेली रखते बाला साहेब ने कहा, देखो शायद शरद पवार कहीं बैठा तो है। ठीक कुछ दिन बाद कांग्रेस छोड़कर पवार विरोधी पार्टियों में आ गए। पार्टी को पवार ने वस्तुतः अपना परिवार बना डाला। पुत्री सुप्रिया सांसद है और पार्टी प्रमुख भी। ना जाने क्यों भतीजा अजीत पवार 2 बार छोड़कर गया, लौटा तो फिर गया। आज चाचा के दल बदलू पदों पर चल रहा है। यूं अफसर के मुताबिक शरद पवार के तेवर भी नरम गरम रहते हैं। अब जब सोनिया कांग्रेस अध्यक्ष बनी तो शरद पवार और पीए संगमा ने घोषित कर डाला था कि कांग्रेस अध्यक्ष विदेशी है, अतः राष्ट्रवादी कांग्रेस की स्थापना कर दी। मगर चंद महीने बाद यही इतालवी नेत्री पवार को भारतीय लगने लगी। मौजूदा निर्वाचन में शरद पवार ने चेतावनी दी थी कि मुझसे पंगा लेना भारी पड़ सकता है, जिन लोगों ने मेरे साथ विश्वासघात किया है उन्हें सबक सिखाना जरूरी है। चुनाव के नतीजे सामने आए तो शरद पवार की पार्टी को मुंह की ही खानी पड़ी। शरद पवार की पार्टी को महज 12 सीटों पर जीत मिली, तो क्या 44 साल के शरद पवार अब राजनीति से संन्यास लेंगे? क्या यह उनकी आखिरी चुनाव होकर रह जाएगा? शरद पवार को याद दिला दें कि पश्चिमी अफ्रीकी गणराज्य सेनेगल की भाषा में कहावत है, गिरगिट पृथ्वी के अनुरूप रंग बदलता है, पृथ्वी गिरगिट के अनुरूप रंग नहीं बदलती। सेनेगल से सटा हुआ अटलांटिक महासागर मुंबई के अरब सागर से कितना दूर है, आज तक कोई भी समुद्र शास्त्री इसका नहीं पता लगा पाया। शरद पवार और गिरगिट की तरह आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कई बड़े कदावर चेहरे हारे हैं। इसमें से एक नाना पटोले और दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण हार गए। नाना पटोले बीजेपी में थे, बीजेपी ने इन्हें सांसद बनाया था, लेकिन कहते हैं कि कुछ प्राणियों को घी हजम नहीं होता। इस तरह से नाना पटोले को घी हजम नहीं हुआ। उसके बाद ये कांग्रेस में गए और ना घर के रहे और ना ही घाट के, चुनाव भी हार गए। कराड दक्षिण विधानसभा सीट से पूर्व सीएम चव्हाण को 3,09,355 वोटों से चुनाव हार गए हैं। कराड दक्षिण विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की। बीजेपी प्रत्याशी डॉ अतुल बाबा सुरेश भोसले ने 1,39,505 वोट पाकर जीत दर्ज की। दूसरे नंबर पर पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस प्रत्याशी पृथ्वीराज दाजी साहेब चव्हाण रहे और अतुल बाबा ने उनको 3,93,055 वोटों से हराया है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज़।